आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का 11वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शिव की कृपा से वंश वृद्धि, धन वृद्धि व मान यश में वृद्धि होती है। मनुष्य शिव कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी ज़रूर करें। बंधु, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण प्रतिपदा व द्वितीय तिथि को किए जाने वाले रोटक व औदुम्बर व्रत कथा का महत्तम सुना रहे हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महत्तम बताया, अब मुझे तिथि महत्तम के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। आज से मैं रोटक व्रत करूँगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, नील कमल, कमल कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अरक आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए और 2 रोटक व्रतधारी को स्वयं खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब कामना पूरी हो जाती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य अपनी मन इच्छा को पूरी कर लेता है। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुम्बर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्यों को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिव्रत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए
और अर्चन इस प्रकार करना चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर खाना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा मीरा अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्ति रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भगवान शंकर कहने लगे, हे सनत कुमार, जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इस व्रत को धारण करता है, इसके महत्तम को पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है, वह जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार उसके यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं, वंश में वृद्धि होती है, उसे कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। ऐसा कहकर भगवान महादेव मौन हो गए। इति श्रावण महत्तम 11वां अध्याय समापत। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।